फ्रेंड्स मैं अभिषेक जोशी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में जो भी हाई वोल्टेज एप्लीकेशन होते हैं उनमें अक्सर एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर को ही इतना प्रिफ्रेंस क्यों दिया जाता है जब भी इंडस्ट्रीज़ में कोई हाई वोल्टेज एप्लीकेशन्स में आप जाएंगे तो वहाँ अक्सर आपको एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकरस ही लगे मिलेंगे तो एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर में ऐसी कौन सी खासियत होती है ये आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे बेसिक लेवल से शुरू करें तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन क्या होती है कौन से सर्किट ब्रेकर को हम एस सर्किट ब्रेकर कहते हैं तो देखिए जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं फिर चाहे आप एयर सर्किट ब्रेकर बोलें, ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करें या एस सर्किट ब्रेकर की बात करें ये जो भी चीज़ें हैं चाहे एयर सर्किट ब्रेकर का एयर हो ऑयल सर्किट ब्रेकर का ऑयल हो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम हो या एस सर्किट ब्रेकर में एस गैस हो ये सभी आर क्विंचिंग मीडियम है क्योंकि जब भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है या जब भी आप सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग होता है और जब भी आपका मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग होगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच में एक आर्क फॉर्म होगा और इसी आर्क को इंटरप्ट करने का काम इसी आर्क को क्विंच करने का काम आपके सर्किट ब्रेकर का होता है और इन सर्किट ब्रेकर में जो आर क्विंचिंग मीडियम हम यूज कर रहे हैं उसी से डिसाइड होगा कि आपका सर्किट ब्रेकर कौन से कैटेगरी का है तो जैसे आज हम लोग एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं तो जिन सर्किट ब्रेकर में एस एफ सिक्स गैस को हम लोग यूज करेंगे एज अ आर क्विंसिंग मीडियम उन सर्किट ब्रेकर को हम लोग एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर बोलेंगे अगर आपके सर्किट ब्रेकर में आपने ऑयल को यूज़ कर रखा है एज अ आर्क क्विंचिंग मीडियम तो वो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर कहलाएगा तो एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर रखिएगा कि जिस सर्किट ब्रेकर में एस एफ सिक्स गैस को हम लोग यूज करते हैं एज अ आर्क इंटरप्टर एज अ आर्क क्विंचिंग मीडियम उन सर्किट ब्रेकर्स को हम लोग एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं यहां दोस्तों जो हम कह रहे हैं कि एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं तो यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि हाई वोल्टेज का मतलब क्या है कि, कि किस वोल्टेज रेंज में नॉर्मली एस एफ सिक्स आपको देखने को मिलेंगे तो 33 थ्री के बीच से एट हंड्रेड के बी की जो वाइड वोल्टेज रेंज है इन वाइड हाई वोल्टेज रेंज में आपको एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी तो थर्टी थ्री के बी से एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर की सर्विस चालू हो जाती है और थर्टी थ्री के बी से एट हंड्रेड के का जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल है इन हाई वोल्टेज सिस्टम में आप एस सर्किट ब्रेकर को इजीली यूज कर सकते हैं तो दोस्तों जब हम लोग ये कहते हैं कि एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं तो वहां आपको ये भी पता होना चाहिए कि वोल्टेज का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा आपका आर्क की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी अगर आप 11 के वी में वर्क कर रहे हैं तो 11 के वी का सर्किट ब्रेकर जब भी बंद होगा 11 के वी के सर्किट ब्रेकर में जब भी कॉन्टेक्ट एक दूसरे से अलग होंगे तो जो आर्क फॉर्म होगा वो कंपेरेटिवली वीक होगा एज कंपेयर टू 33 थ्री के वी सिस्टम थर्टी थ्री के वी सिस्टम में जो आर्क फॉर्म होगा वो कंपेरेटिवली बहुत वीक होगा एज कंपेयर टू टू ट्वेंटी के वी सिस्टम तो वोल्टेज लेवल जितना बढ़ता जाएगा आपके आर्क की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और जब आपकी आर्क की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस आर्क को इंटरप्ट करने के लिए उस आर्क को क्विंच करने के लिए उतना ही हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का आर्क क्विंचिंग मीडियम आपको यूज़ करना पड़ेगा अब हमारे पास जो अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर है चाहे वो एयर सर्किट ब्रेकर हो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो

और क्योंकि हम 33 kv से 800 kv के अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में वर्क कर रहे हैं इसलिए हमें एक ऐसा आर क्विंचिंग मीडियम चाहिए जो इतने हाई स्ट्रेंथ के आर को इजीली इंटरप्ट कर पाए और ये कैपेसिटी sf6 गैस में देखने को मिलती है एक रीज़न दोस्तों ये भी है कि जो एस एफ सिक्स गैस है ये नॉन इनफ्लेमेबल होती है इसका मतलब ये है कि एस एफ सिक्स गैस में आग नहीं लग सकती मान लीजिए अगर आप हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं और वहाँ आपने ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा रखा है अब आपका जो ऑयल है ये तो हाईली फ्लेमेबल है ऑयल तो में बहुत ईजिली आग लग सकती है ये हम सबको पता है अब एक तो आप ऑलरेडी हाई वोल्टेज सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और हाई वोल्टेज सिस्टम में अगर आप ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर रहे हैं तो फायर हजार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि हाई वोल्टेज एरिया ऐसे ही बहुत ज्यादा डेंजरस होता है उसमें अगर आप ऑयल का कुछ यूज कर रहे हैं तो आग लगने की बहुत बढ़ जाती है। भी में SF6 को किया जाता है क्योंकि हाई वोल्टेज से रिलेटेड फायर हजार के जो एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि जो एस एफ गैस है नॉन फ्लेमेबल होती है SF6 तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि एस एफसिक्स गैस केमिकली स्टेबल होती है इसका मतलब ये है कि अगर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर और कोई केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्रीज़ है कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर रहे हैं तो किसी केमिकल के साथ ऑयल ने कोई कंपाउंड फॉर्म कर लिया जिसके वजह से फायर हजार्ड आपको देखने को मिला या फिर आपके सबस्टेशन में ब्लास्ट हो गया अगर आप एस गैस का यूज़ करते हैं तो एस गैस केमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब ही यह होता है कि किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ किसी भी दूसरे केमिकल के साथ मिलके केमिकल रिएक्शन हो के कोई अदर कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा अगर आप एस एपसिक्स गैस का यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है बहुत सारे केमिकल्स अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और वहां पर अगर आपने एस एफसिक्स सर्किट ब्रेकर यूज़ किया है और अगर वहां से एसेप्सिक्स गैस मान लीजिए लीक भी हो जाती है तो ये एस एफसिक्स गैस किसी भी केमिकल के साथ मिलकर कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्म नहीं करेगी कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगी जिसके वजह से आपको फायर हजार्ड फेस करना पड़े या कोई भी फेटल एक्सीडेंट आपको फ़ेस करना पड़े